फ्रेंड, मैं रवि सारथी ड्रीम। आज आपको मैं मुंबई के जंगलों में लेके आया हूँ, जो कि यहाँ दिखने को कम मिलता है मुंबई में। और ये बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ है जो आपको आगे दिखाऊंगा अपने वीडियो में, और आप देख के बहुत खुश हो जाएंगे। ये नज़ारे आपको जल्दी दिखने को नहीं मिलेंगे और मैंने बहुत ही मुश्किल से खोजा है। तो सोचा आप मैं अपने चैनल में आपको जंगल का टूर करा दूँ, तो मेरे चैनल साथ बने रहिए रवि सारथी ड्रीम। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये मुंबई के जंगलों में है, बहुत ही वीरानी जगहों पे ये, और ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। ये देख सकते हैं कबूतर का घोंसला। फिलहाल तो अभी कबूतर इसमें है नहीं, पर बहुत ही खूबसूरत ये घोंसला है। मुझे लगता है यहाँ कभी इंसान रहा करते थे, इसलिए यहाँ पे ये बनाया गया था, पर अब बिल्कुल ही ये वीराना पड़ा हुआ है और बहुत ही खतरनाक भूताहा जैसा लगता है जगह। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है ये, और ऐसा खूबसूरत जगह जल्दी दिखने को नहीं मिलता है, और हम ऐसी जगहों पे आए हैं। तो आप गेस करके बताइए कि हम किस जगह पे आए हुए हैं। पर ये इतना बता देते हैं ये मुंबई शहर में है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। तो आप भी सिनेमेटिक शॉट इन्जॉय करिए और देखिए, और आप लोग भी ज़रूर आए। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पत्ती है यहाँ, और कुछ फल वगैरह भी गिरे हैं। ये देखिए, ये नारियल खूबसूरत सा जो इसी पेड़ से गिरे हैं, तो हम इसे खाने की कोशिश करेंगे अगर टूटता है तो। और इसके साथ ये इस चीज़ का नाम क्या है मालूम नहीं है, पर शायद जामुन का ये गाछ है, इधर ही है। और वो देखिए ऊपर नारियल का पेड़, और इधर ये आम का पेड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं, ये पुरानी हवेली लग रही है मुझे। तो आप बताइए ये पुरानी हवेली है कि क्या है, पर ये मुझे बहुत ही पुरानी हवेली लगती है, जहाँ रातों में भूत आते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए कोयल की आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, ये आवाज़ जल्दी सुनने को नहीं मिलती है। ये है कोयल की आवाज़, सो आप देख सकते हैं इस वीराने में कोयल की जब आवाज़ आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ अक्सर हमें कोयल की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है। ये हमेशा वहाँ रहती है जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु जहाँ रहते हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं आप देख सकते हैं, इस वजह से ये पुरानी हवेली के पास ये रहते हैं। चलिए और कुछ दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं जंगलों के बीच में एक वीरान सा जगह है, पता नहीं कौन सा जगह है, पर यह आम की गाछ पर है और बहुत ही सुंदर हवा चल रहा है। तो ऐसे हवाओं का नज़ारा आपको देखने बहुत कम ही मिलेगा मुंबई शहर में। सो अगर किसी को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो ऐसी जगहों पे लोग आ सकते हैं और ऐसी जगह लोग ढूंढते हैं, बहुत ही हमें मुश्किल से मिला है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आप गेस करिए मैं कहाँ आया हूँ, और मैं अगले पार्ट टू में बताऊँगा मैं कहाँ पे था। सो मेरे चैनल साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, और एक आप सिनेमेटिक साउंड शॉट देख लीजिए। ये काफ़ी पहले लोग शायद रहा करते होंगे यहाँ पे, पर अभी है नहीं फिलहाल, बहुत ही ख़तरनाक जंगल है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसे नहीं कि शेर आ जाए और हमें खा जाए। ओह
और ये बहुत ही डरावना पेड़ है। ये बरगद का पेड़ है जो काफ़ी सालों से टिका हुआ है और इस जगह काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। कभी भी गांव का कोई सीन रहता है, मुखिया यहाँ बैठता है। और ये देखिए, फ़िलहाल तो अभी कौवे बैठे हुए हैं और काँव काँव कर रहे हैं। तो यहाँ माँ काली की भी प्रतिमा है, तो माँ काली को मैं प्रणाम करता हूँ, जय माँ काली। और अक्सर आप देखते होंगे कोई भी गांव का सीन होता होगा, पंचायत होता होगा, तो इसी जगह पे शूटिंग होता है। सो काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे। और ये जो आवाज़ें सुन रहे हैं आप, कहीं पे लग रहा है हमें रास्ता मिलने वाला है, हम नज़दीक आ गए हैं शहर के, लग रहा है इस जंगलों से। दोस्तों अभी जंगलों में बहुत दूर तक आ गए हैं, पता नहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं आगे, देखते रहिए हमें रास्ता कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड देखिए, लगता है जंगलों के बीच में हमें पटरी दिखाई दिया है, तो लगता है रास्ता आगे ज़रूर मिलेगा। और हम लगता है रास्ता के करीब आ गए हैं, तो हमें लगता है हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी, इन जंगलों के बीच से हम निकल आएंगे। तो चलिए आगे थोड़ा और देखते हैं। जामुन का गाछ है और ये जामुन गिरा हुआ है, तो चलिए इस जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हम जामुन ही खा के टाइम पास कर लेते हैं। और ये देखिए, मुझे एक बादाम का टुकड़ा मिला है, बहुत काफ़ी बड़ा टुकड़ा है और बिल्कुल लाल लाल है, और यहाँ भी गिरे हैं। तो इस जंगलों में आपको खाने की कोई कमी नहीं होगी, अगर आप खो गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। हमको लग रहा है कि अब हम रास्ते के करीब करीब आ गए हैं जंगलों के बीच। तो फाइनली हमें लिफ्ट मिल ही गया, लगता है हमें रास्ता मिल गया है। तो मैंने आपको जंगल के सैर करा दिया, तो चलिए मैं लिफ्ट लेके अभी चलता हूँ।